ये रोड थी दोस्तों, पीछे जिस रोड से अभी हम गुजरे हैं यहाँ से दिखा, ये लग रहा है ना भाई, ऐसा लग रहा है कि हेलीकॉप्टर में जा रहे होंगे हम ऊपर, कसम से लग रहा है। ये देख ना, पूरा हेलीकॉप्टर वाला व्यू आ रहा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो चुके एक नए ब्लॉग की शुरुआत सीधे पल्ला गांव से। अभी हम किमाणा से पल्ला पहुंच चुके हैं। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा हम बंसी नारायण से किमाणा पहुंच चुके थे, तो आज जा रहे हैं हम सीधे घर। तो अभी ना हम जा रहे हैं गाड़ी की छत में जोशीमठ तक। जोशीमठ तक नहीं जाएंगे, हिलन तक जाएंगे, पत्थर हटा रहे। उसके बाद आज आप लोगों को पूरा छत का टूर दिखाने वाला है अपना, यहाँ से लेकर के हिलन तक। बहुत मजा आने वाला है, इसलिए अभी ये ब्लॉग बना रहा हूँ। स्टोरेज फुल हो गया था, अभी इस ब्लॉग के लिए थोड़ा सा स्टोरेज खाली करा हुआ है और मजा आने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए ब्लॉग में। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे छत माने के लिए, फाइनली आ चुके हैं और आप भी फुल एंजॉय लीजिए इस रोड का। तो दोस्तों अभी रास्ता खुल चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने ये छत का सफर स्टार्ट। अभी देखो आप, अभी आप लोगों को ठीक ठाक रोड दिखेगी, लेकिन आगे बहुत डेंजर वाली रोड आने वाली है भाई साहब, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे अलग नंदा दिखती भी नहीं है। अभी हमको पता नहीं कि हमारी एक्चुअल में कितनी आफत आने वाली है। व्यू तो देखो सामने पे, सामने देखो, इधर उधर कहीं भी देख लो, व्यू तो इतना गजब का है ना यहाँ पे, क्या बताएं आप लोग। हम अभी इतने सारे बैग रखे हैं, तो इनमें हो सकता सेफ टू बहुत डबा है। सेफ बस हमारे बैग में, लेकिन बड़ा हरामी हो बेटा। अभी आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी, वैसे बहुत सारे लोगों के लिए यही डेंजर रोड है, लेकिन फिर भी हमारे लिए अभी ये नॉर्मल है, क्योंकि इससे पहले हम अपने गांव पे इस तरह के रोड पे जा चुके हैं। और यहाँ सामने पे आप लोगों को ये दिख रहा है, ये जेसीबी, तो पिछले साल यहाँ ऊपर से एक पत्थर आकर के उसके ऊपर गिरा था, चलते हुए चलते हुए मशीन पे भाई। वो तो गनीमत रही कि इसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो बच गया। या मेरे वतन के लोगों, जरा आग में भर लो पानी। यहाँ से आगे ना नहीं नहीं, जो शहीद हुए है उनकी जरा याद करो गुरबानी। कभी आई है गाने दोस्तों, परसों 15 अगस्त आने वाला है, तो इस तरह की फीलिंग आमतौर पे आती रहती है कुछ दिन पहले, आजादी से कुछ दिन पहले, आजादी के दिन से कुछ दिन पहले। अलकनंदा देखो नीचे कहाँ है, कहाँ है अलकनंदा और कहाँ है ये रोड, कहाँ ये रोड। अभी आगे तो चलो, आप लोगों को इससे भी डेंजर रोड दिखेगी। ओ हो 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 हो, ओ भाई बीच में ना दलदल भी, और कहीं पे दलदल है, कहीं पे पत्थर ही पत्थर है। और मौसम तो दोस्तों आज सबसे गजब मौसम, आजकल हमने जब भी आजकल जहाँ भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो आज का सबसे बेहतरीन मौसम है। इससे ज़बरदस्त, इससे डेंजर रोड आप लोगों को कहाँ मिलेगी। अभी तक मैंने जहाँ भी घूमने के लिए गया हूँ, जहाँ की भी रोड देखी है, ये अपने हिसाब से तो सबसे डेंजर वाली रोड है भाई। और सबसे डेंजर है यहाँ के ड्राइवर, कसम से यार। मतलब अगर हमारे गांव में रहते ना इस तरह की रोड अभी फिलहाल, तो हमारे गांव के जो ड्राइवर है वो तो मतलब बिल्कुल इनकार कर देते इस रोड पे गाड़ी ले आने के लिए। लेकिन यहाँ के लोग भी उतने डेंजर है, यहाँ की जगह भी उतनी डेंजर है, यहाँ का सब चीज़ डेंजर है यार। यहाँ देखो भाई साहब, ये देखो, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि मैं एक अनस्टेबल ड्रोन से आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पे तो आ ही नहीं सकती है भाई। TSDC कंपनी, ये नीचे TSDC कंपनी कुछ इस तरह से दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि हेलीकॉप्टर में जा रहे होंगे हम ऊपर, कसम से लग रहा है। ये देखना पूरा हेलीकॉप्टर वाला व्यू आ रहा है, नेशनल हाईवे ये जा रही जो नीचे, ये नीचे नेशनल हाईवे है और ये स्टेट हाईवे। और दोस्तों ना, जो यहाँ के घसेरी लोग हैं, जो यहाँ के गांव के लेडीज लोग हैं, वो घास करने के लिए यहाँ ऊपर इस तरह के चट्टानों पे जाते हैं, तो वो लोग भी बड़े डेंजर हैं। वाह, आहा, मतलब समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को रोड दिखाऊं या व्यू दिखाऊं, क्योंकि सब कुछ इतना जबरदस्त है कि समझ नहीं आ रहा हमको, और फिर भी जितना दिखेगा वो दिखाने की कोशिश करेंगे।
दोस्तों ये रोड शेयर कर दो ये शेयर करो, इस रोड को दब करके शेयर करो, शेयर करो और बताओ कि किस किस को इस रोड पे आना है, किस किस को इस रोड पे छत पे सफर करना है। और एक बार आप लोग भी यहाँ का एक्सपीरियंस ले लो, यहाँ के रोड का भी एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों पिछवाड़े का बहुत बुरा हाल हो चुका है, ये देखो ये है नीचे छत, और अभी धच के खा करके ये रोड थी दोस्तों, पीछे जिस रोड से अभी हम गुजरे हैं यहाँ से दिखा, ये लग रहा है ना भाई, ये रोड है, सामने पे पल्ला गांव है, इसके पीछे जखोला गांव है, उसके पीछे किमाना गांव है, पूरा ऑफ रोडिंग है दोस्तों यहाँ से पूरा उर्गम तक, यहाँ के लिए उर्गम वाली रोड भी बहुत डेंजर है। अभी तक हमारे लिए सबसे डेंजर वाली रोड थी उर्गम की रोड, लेकिन हम जैसे ही उर्गम से इस गाँव में प्रवेश करें तो उर्गम वाली रोड हमको भाई भी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ये वाह, यहाँ पे आप लोगों को ना सबसे ज्यादा कीचड़ क्रॉसिंग ही मिलेगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे गड्ढे हुए रहते हैं ना। अब आप लोगों को शायद वीडियो पे उतना डेंजर लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, लेकिन रियल में बहुत ज्यादा डेंजर है, क्योंकि इतने बड़े गड्ढे ना, तो हो सकता है कि कहीं पे बोनट पे कुछ पत्थर पत्थर लग जाए या कुछ उठा हुआ भाग लग जाए, बहुत ज्यादा रिस्की है यहाँ पे टूटने का डर बहुत, गाड़ी के पट्टे ना। बिल्कुल बिल्कुल, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की काली तिजोरियां, काजल की सियाई से लिखी है पीछे तुमने कितने सारी झाड़ियां लटका दी। ये बढ़िया था गुरु। ये रोड सबसे डेंजर है उर्गम वैली, क्या नाम दूं तो सबसे डेंजर रोड नाम दे दे, इसमें कोई शक नहीं है भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। ओ भाई साहब ये देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे डेंजर बड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर हटाने में लगे हुए थे, और दिस इज अ थेना प्लेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ उर्गम वैली, एंड उर्गम वैली इज अ बेस्ट वैली इन उत्तराखंड, एंड हेयर वी आर फ्रेंड, ही इज अ ट्रैकर, और दिस इज अ धन्यवाद पुनः आगमन की प्रतीक्षा में, ये कह रहे हैं कि आप फिर से आ सकते हो और आपका हार्दिक स्वागत है इस वैली में। और नीचे पर हमारे एक दोस्त लोग हैं जो कि हमको हाई कर रहे हैं, तो उनको हमारा हेलो, हेलो भाई जी, जोश मठ होना चल मिलन तब जोश मठ में, ठीक है। अभी दोस्तों ये सामने ये रहा जोशीमठ का एरिया, मतलब ये सेलंग है सामने पे, कौशल भाई लोगों का घर, कौशल भाई मतलब जब भी मैं इस जगह पे आता हूँ ना, तो हमेशा मेरे मुंह से एक बार कौशल जरूर निकलता है, तो एक बार यार कौशल के भी ब्लॉग को सब्सक्राइब करो यार, बिल्कुल सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, दब करके सपोर्ट करो भाई, कसम से बहुत मेहनत करता है यार, सबसे ज्यादा भाई की जो एडिटिंग है, एडिटिंग का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कौशल भाई, दिल से बोल रहा हूँ, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर एडिटिंग एंड वीडियो ऑल्सो। तो दोस्तों वंशी नारायण के चलते हमारी जो रक्षाबंधन है थोड़ा सा लेट में हो रही है, हैप्पी रक्षाबंधन पर ही, हैप्पी रक्षाबंधन है नामिका, और बेटा तेरे पूरी दीदी लगे थे दोपहर आदमी क्या क्या लगे तो फाइनली हमारी वंशी नारायण की यात्रा भी समाप्त हो चुकी है और रक्षाबंधन भी हो चुकी है, आनंद फानन बहुत मजा आ गया। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं पूरी फैमिली एक साथ, और अभी हम अभी पूरे एक साथ चूल्हे पे बैठे हुए हैं, और अभी यहाँ पे गपशप चल रही है, पता नहीं किस चीज की गपशप चल रही है, शायद आज रक्षाबंधन ही की चल रही होगी, और क्या हो सकता है, अभी हिसाब किताब चल रहा है। तो दोस्तों आज ना बहुत दिनों के बाद आप लोगों को इस तरह का मौसम दिख रहा होगा, कुछ काफी दिनों से बहुत ज्यादा बारिश लग रही थी, बारिश वाला मौसम हो रखा था, लेकिन आज सुबह से मौसम बहुत मस्त हो रखा, सामने देखो क्या मस्त लग रहा है सामने पे चंदा मामा, वाह बेहतरीन। हाँ जी बन गया, फोन तो बोला खाना खाने के लिए, कसम से। तो गाइस राइस अभी चाय बना के दिखाएंगे हम सब लोग को, देखना कैसे चाय बना रहे हैं, चाय की रेसिपी आपके साथ शेयर भी करेंगे बनाएंगे, चलो आज हम चाय बनाएंगे, कोई बहुत बड़ी छुई नहीं है, क्यों चाय बना दो उसमें डाल दो गिलास चाय, कल बताऊं क्या करना है। तो दोस्तों जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि बद्रीनाथ में 15 अगस्त में एक प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें कि हम
जिसमें कि मतलब बहुत सारे गांव अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति बद्रीनाथ में देने वाले हैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पे, जहाँ पर कि मुख्यमंत्री साहब भी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी भी आने वाले हैं। तो उसके आजकल हमारे गांव में भी तैयारियां चल रही है, जो बुढ़ऊ नृत्य होने है, हमारे गांव का जो मेन नृत्य है तो उसकी बुढ़देवा नृत्य, तो उसकी अभी तैयारी चल रही है। कल मुझे जाना है ऊपर एक जगह पे, मतलब कहीं जाना है जहाँ पे कि जो वेशभूषा है ना, तो उसमें जो मुकुटा होता है जो मेन, जो आपने रामायण मेला में भी देखा होगा उसी तरह का वो बुढ़ऊ नृत्य का भी होता है, तो वो कल बनाने के लिए जाना हमको, ठीक है। तो कल आप लोगों को वो भी बताएंगे, और परसों हम यहाँ से बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे, और 15 अगस्त को वहाँ पर वो प्रोग्राम होने वाला है, तो बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो। तो फिलहाल अभी हम चाय बनाते हैं। दरअसल ना दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपकी माँ मतलब इतनी सीधी है क्या, मतलब बात नहीं करती क्या किसी की। लाठिया रे लाठी गाय, लाठिया लाठी